हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपके नॉलेज को रिकॉल कर देगी। मैं प्रियंका आपके लिए लाई हूँ यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के 2000 से लेकर के 2013 तक के सभी प्रश्न पत्र, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो ईयर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 में आती है, क्योंकि एक प्रश्न पत्र में कम से कम 125 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो का एक मतलब कि जैसे 2000 है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, क्योंकि आप हमारी मंशा ये है कि आप थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें और अपने आने वाले समय में जो प्रश्न पत्र है उसका उत्तर एकदम सटीक दें। तो हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे, आपके नॉलेज को रिकॉल करती हो, तो हमें एक लाइक जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रदान की थी? आर के मार्टन ने प्रदान की थी। मध्य स्तरीय सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधी ऐसी अवधारणा है जो व्यापक तथा महती समिति क्षेत्र से संबंधित है। इस सिद्धांतों का कार्य छोटी छोटी परिकल्पनाओं और बृहत अमूर्त सिद्धांतों के बीच की खाई को पटाना है। और अगला क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया था? कोजर जी ने किया था। कोजर, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की अपनी आवश्यकता होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति संघर्ष द्वारा होती है, अर्थात कोजर व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था की इस निरंतरता में संघर्ष प्रक्रियात्मक भूमिका निभाता है। टर्नर ने कोजर के संघर्ष को प्रकारवादी माना है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? का उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्ति, और इसके अतिरिक्त ज्ञान का भंडार, अंतर्निष्ठा, अंतर व्यक्तिनिष्ठा, समाज की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ये सब इसमें इंक्लूड है। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया था? इरावती कावे जी ने किया था। संयुक्त परिवार का विश्लेषण करते हुए कहा, सह निवास, सह भोग, सह उपासना, साझा संपत्ति और नातेदारी में आपादता को इस प्रकार के परिवार की प्रमुख विशेषता बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, ये ऑप्शन एकदम सही है, पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वउद्देश्य की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है? मिलन वास्की का। संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र तरीके या ढंग आ जाते हैं जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है या तो ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मिलजुल का इसका निर्माण हुआ है। किंग्सले डेविस ने कहा, व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो ना जैविक है और ना ही सामाजिक है, अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सीखने का है? समृद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन चौथा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, या किसकी परिभाषा है? आकबर, जॉनसन, बोगार्ड्स या डेविड, ये सही उत्तर है, एजेंट जॉनसन। समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दुर्खीम जी ने किया था। दुर्खीम ने समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को अपनी कृति सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी में प्रकट किया। अपने समाजीकरण संबंधी विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट किया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताएं, इसका उत्तर है पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा जो है ऑप्शन, वो औपचारिक साधन है सामाजिक नियंत्रण का। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? धर्म या अनौपचारिक नियंत्रण के अंदर आता है? किसने कहा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामी है और ना ही दासी है, बल्कि उनकी बहन है? ब्रॉन्स और बेकर ने कहा था। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसने कथा या किसका कथन है? मैक्स वीबर का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ?
1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत किया गया। इस समय समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष डॉ. राधाकमल मुखर्जी जी थे। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम लाइए। बर्जर एव लुकमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से समृद्ध बताया था? दुर्गीन जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति ने समाज के अध्ययनों को विभाजित किया? दूसरा ऑप्शन सही है इसमें, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान है। सामाजिक स्थिति समाज की संरचना को प्रकट करती है। इसके विपरीत सामाजिक गति में समाज रूपी जीव के परिवर्तनों की प्रक्रिया और स्वरूपों के अध्ययन पर केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री एम एन निवासन है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति में आत्माओं पर विश्वास ही प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? पी एच प्रभु जी है। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? रजबली पांडे जी हैं। द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द रिसिप्ट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वीबर जी हैं। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गीन। अगला क्वेश्चन है, वर्स्टेन की अवधारणा किसने दी? मैक्स वीबर ने दी थी यह अवधारणा। मैक्स वीबर के अनुसार तीन प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़कर वह कौन है? तार्किक, कारिश्माई, धार्मिक या परंपरागत? इसका सही उत्तर है धार्मिक। क्रांति की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया था? सामरिकी प्रतिमान बताया था। किसने ईश्वर को समकक्ष माना है? किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? इसका उत्तर है दुर्गीन ने धर्म की व्याख्या एक तत्व के रूप में किया, सामूहिक रूप से व्यक्ति समाज की ही पूजा करता है, समाज ही वास्तविक देवता है। किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? गांधी जी ने कहा था। विश्वराज की कल्पना किसने की? अरविंद जी ने की थी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज की पुस्तक राधाकमल मुखर्जी जी थे। प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है, अव्यक्त प्रकार इसका सही उत्तर है। आप चाहें तो इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा या प्रतिलोम विवाह कहलाएगा? परिवार की उत्पत्ति का प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्लेटो अरस्तु ने कहा कि परिवार का आदिम स्वरूप प्रतिष्ठात्मक था। 1816 में सर हेनरी मैन ने विश्वभर का अध्ययन करके इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा पितृस्थानीय और पितृवंशी भी था। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? पार्सन्स ने दी थी। इसे आप एकांकी परिवार का भी पर्यायवाची मान सकते हैं, एकांकी नाभिकीय परिवार को। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष या किसने कहा? ग्रीन ने कहा था। सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है, व्यक्ति सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करता है। टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? जीवित सत्तावाद। गेमेन सॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट व्याख्या है? गेमेन शब्द की अवधारणा टॉनिश ने दी थी, जो समुदाय शब्द का सामनार्थी है। लेवरेट से बोध होता है, मरे पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? नंबर एक टेविस और मुरे। कभी कभी टेविस और मुरे एक ही ऑप्शन में आते हैं तो उत्तर भी एकदम सही होगा। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने की थी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इसने अगर नॉलेज को रिकॉल किया हो तो इसे लाइक
जरूर करें।